पीथमपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अंधे कत्ल का पर्दाफाश कर तीन आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। क्षेत्र में दहशत फैलाने के लिए सचिन नामक युवक की चाकुओं से गोद कर हत्या की थी। महज चंद ही दिनों के भीतर ही पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा ली। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंची। फिलहाल तीनों आरोपी सलाखों के पीछे हैं। पीथमपुर के थाना सेक्टर 3 के अंतर्गत कुछ दिन पूर्व एक सनसनीखेज वारदात की घटना घटित हो गई थी। 18 साल के सचिन नामक युवक की चाकू गोद कर तीन अज्ञात बदमाशों मौके से फरार हो गए थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और आरोपियों की तलाश सरगर्मी से शुरू कर दी। अंधे कत्ल गुत्थी सुलझाना पुलिस के लिए एक चुनौती बन चुकी थी। वहीं धार पुलिस कप्तान आदित्य प्रताप सिंह द्वारा पीथमपुर की टीम तारेश सोनी और उनके स्टाफ द्वारा इस अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने के लिए प्रशंसा की गई। साथ ही टीम के सभी सदस्यों को पुरस्कृत करने की बात भी कही गई है। पीथमपुर से संजय सोनग्रा की रिपोर्ट। 5/3/2022 रात्रि पौने 10 बजे के आसपास सुपर हाइजीन कंपनी के पास एक सचिन कछवाहा जो टपरा में सिगरेट और पाउच की दुकान करता था उसको तीन अज्ञात लोगों ने चाकू घोंपकर मार दिया था। इस सनसनीखेज वारदात को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक श्री आदित्य प्रताप सिंह ने एक टीम का गठन किया जिसमें थाना प्रभारी तारिक सोनी और उनके स्टाफ को इस अंधे कत्ल को बरामद करने की जवाबदारी पेश की गई। तमाम इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन का सहारा लिया गया और इसके बाद पता चला कि जो आरोपी हैं वो छतरपुर और सागर के रहने वाले हैं। टीम को जब रवाना किया गया तो वहां पर धर्मेंद्र राय, राम स्वरूप और अजय राय इन तीन आदमियों को पकड़कर पूछताछ की गई जिन्होंने जुर्म स्वीकार कर लिया और हत्याकांड कबूल कर लिया। थाना पीथमपुर की टीम तारे सोनी और उनके स्टाफ द्वारा इस अंधे कत्ल को खुलासा करने में बहुत अहम योगदान दिया गया और पुलिस अधीक्षक श्री आदित्य प्रताप सिंह ने पूरी टीम को नगद पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।